फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साचे अर्थ में सत्य में जयते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप, पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे? ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, तो उस समय श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी। हम सूरत की कोर्ट में गए और 2019 के बाद 2023 में जब दोनों पक्षकारों का एविडेंस रखा गया, दोनों पक्षकारों का विटनेस को तलाशा गया, दोनों पक्षकारों का सभी बात, दोनों दलील होने के बाद जब फैसला आया तो श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। बाद में सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए गया, नहीं हुआ वहाँ, यहाँ भी आए थे, आज उसको भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट में। तो जब नामदार हाई कोर्ट का जब आता है तो फिर सब मैटर, उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये अपनी कोई बात करनी नहीं चाहिए। नामदार कोर्ट का जो भी फैसला है उसको स्वीकार। कांग्रेस को राजकीय